महामेट्रो की नागपुर मेट्रो रेल परियोजना सफलतापूर्वक कार्य करते हुए आज अपने 6 साल पूर्ण कर रही है। इसी उपलक्ष्य में आज दीक्षा भूमि समीप स्थित मेट्रो भवन कुंज हॉल में स्थापना दिवस समारोह संपन्न हुआ। इस समय महामेट्रो के व्यवस्थापक ब्रजेश दीक्षित और अन्य अतिथि मुख्य रूप से उपस्थित थे। नागपुर मेट्रो प्रोजेक्ट का भूमि पूजन 21 अगस्त 2014 को हुआ था और 2015 से नागपुर शहर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य शुरू हुआ। वर्ष 2015 से 2021 तक का समय महामेट्रो की नागपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए मील पत्थर साबित हुआ है। साथ ही महामेट्रो का दिसंबर 2021 तक सेंट्रल रेवेन्यू और कामटी रोड पर यात्री सेवा शुरू करने का मानस है। साथ ही मेट्रो का विस्तार करने की बात भी मेट्रो व्यवस्थापक ब्रजेश दीक्षित इन्होंने कही। नागपुर का जो मेट्रो का जो नेटवर्क है उसका डिजाइन कुछ इस तरह से है कि ये जो उत्तर और पूर्व के जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं वो सीबीडी जैसे अपन सीतावर्डी बोलते हैं बीच में है वो, और उसके बाद हिंगना का इंडस्ट्रियल एरिया, मेहान का इंडस्ट्रियल और सर्विस एरिया और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, रेलवे स्टेशन है, मेन रेलवे स्टेशन नागपुर का और अजनी का, एयरपोर्ट है, तो रेजिडेंशियल एरियाज को इन सब एरियाज से कनेक्ट करना, हॉस्पिटल्स हैं, तो बहुत अच्छा डिजाइन हुआ है। और अब जो कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग उसका उपयोग करें, मेरा आह्वान है सब लोगों से, अपील है कि अब जब बनी है तो मैक्सिमम पॉसिबल संख्या में इसका उपयोग होना चाहिए, तभी उसका उद्देश्य पूरा होगा। मेट्रो बनाना अपने आप में कोई उद्देश्य नहीं हो सकता। स्थापना दिवस समारोह के दरमियान शहर के वरिष्ठ पत्रकारों का सत्कार भी किया गया। साथ ही शहर के जो नागरिकों ने मेट्रो में अब तक सबसे ज्यादा सफर किया है ऐसे नागरिकों का भी इस समय सत्कार किया गया। मेट्रो द्वारा जिला परिषद स्कूल के शिक्षकों का भी सत्कार किया गया है। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकारों ने और नागरिकों द्वारा मेट्रो के कार्य की प्रशंसा की गई। अभी मेरे पूर्व वक्ता कहते थे कि हम बजाने का काम करते हैं, वास्तव में बजाने का काम पत्रकारों का है, वो बजाते ही रहते हैं हमेशा, पर मैं यहाँ बजाने नहीं आया हूँ। मैं इस साल सितंबर में पत्रकारिता में 50 वर्ष पूर्ण कर रहा हूँ। इन 50 वर्षों की जर्नी में कभी मेरा मन नहीं करा कि किसी सरकारी दफ्तर या किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के पक्ष में दो शब्द बोलूँ। ये पहला अवसर है, या मैं ये कहूँ कि मुझे शब्द कम पड़ रहे हैं। वैसे दीक्षित जी, अभी सरोकार की पत्रकारिता लगभग मृत पाए, आप कुछ अच्छा करेंगे तो हमारे को आके बोलना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कुछ अच्छा हम कर रहे हैं, बताइए जनता को। आपके यहाँ थोड़ी सी गलती हुई कि हम पूरे कैमरामैन के साथ दौड़ पड़ते हैं कि आज मेट्रो में ऐसा हुआ वैसा हुआ। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, एक नागरिक के रूप में भी कह रहा हूँ, एक पत्रकार के रूप में भी कह रहा हूँ। दीक्षित जी, आप जितने ऊँचे बुरे हैं आपका सोच उससे भी ऊँचा बुरा है, और इस शहर में जितनी भी सरकारी योजनाएं और गैर सरकारी अर्ध सरकारी योजनाएं बनी, उन योजनाओं के बारे में हमारे पत्रकार कॉलोनी के बाजू में एक पुलिया है, वो 8 साल से बन रही है। शहर में मेट्रो दौड़ने लगी तो नागपुर वासियों के लिए एक गौरव की बात है। आज शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने के लिए मेट्रो काफी हद तक नागपुर वासियों को मददगार साबित होगी। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।